चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन है ना, हम लोग बात कर रहे थे पोलराइजेशन में, तो यहाँ में सोलिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको लास्ट क्लास में, देखिए बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन। सोलिबिलिटी देखना है, पानी में सोलिबिलिटी देखना है, तो जितना ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा उसकी सोलिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, या जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा उसकी सोलिबिलिटी वाटर में कम हो जाएगी, या अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में देखेंगे तो कोवेलेंट करेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपको सॉल्वेंट नहीं दिया है तो आप जनरली कौन सा सॉल्वेंट मानते हुए चलेंगे, वाटर। क्लियर है ना, मतलब जिसमें वाटर में, देखिए जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा उसका पानी में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आपको क्वेश्चन में मतलब 99% ऐसा होगा कि सॉल्वेंट गिवन नहीं होगा, तो आपको हमेशा ऊपर वाला मान के सॉल्व करना है। ठीक है, अगर बोल देगा कि सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन बताइए तो आप ये वाला करते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर बताएंगे तो ये करेंगे, सॉल्युबिलिटी इन क्लोरोफॉर्म, तभी भी आपका क्वेश्चन नीचे वाला से सॉल्व होगा, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में इसके बारे में बताया था, है कि नहीं। चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके साथ में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर दे दिया जाए, क्या ये कलर दिखाई देता है क्या लास्ट तक? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। ठीक तो यहां में देखिए हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, तो ध्यान देंगे कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा। देखिए भाई सॉल्युबिलिटी की क्वेश्चन दो प्रकार से होती थी, है कि नहीं, एक तो हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से देख रहे थे और एक हम लोग पोलराइजेशन से देखेंगे। तो अगर हमारा एस ब्लॉक का केटाइन है तो सॉल्युबिलिटी कौन सा डोमिनेट करेगा, हाइड्रेशन या लैटिस एनर्जी? क्लियर है ना। लेकिन अगर हमारा जो केटाइन है बताइए वो कौन सा ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, तो आप उस केस में सॉल्युबिलिटी को पोलराइजेशन से करेंगे। क्लियर है ना। तो बताइए यहाँ में अगर हम बात करें, देखें ये और इसमें सॉल्युबिलिटी की बात करना है तो बताइए चार्ज प्लस वन माइनस वन ऐसा होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। तो बताओ यहाँ में क्या करना पड़ेगा, पोलराइजेशन देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो पोलराइजेशन में बताइए किसकी पोलराइजेशन ज्यादा है, क्या यहाँ में केटाइन सेम है क्या, क्या यहाँ में केटाइन सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, एनायन। तो एनायन का जितना बड़ा साइज होता है उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होती है, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है, और जिसकी कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होती है उसका सोलिबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर हम सबसे पहले बताइए सीसी की बात करें, कोवेलेंट करेक्टर लिखे है कि नहीं, या पोलराइजेशन का ऑर्डर लिखे, तो बताइए पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या होगा, पोलराइजेशन का ऑर्डर बताइए क्या होगा, और उसके बाद आपको बात करना है सोलिबिलिटी की ऑर्डर क्या होगा। तो बताइए पोलराइजेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, किसका होगा भाई, AgF। पोलराइजेशन एनायन का जितना साइज बड़ा होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा ना, किसकी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगी, AgI। क्लियर है ना, इसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। तो बताओ सोलिबिलिटी जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है, क्या इसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है तो उसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, काम कौन ज्यादा सोलिबल होगा, क्या ऑर्डर ऐसा होगा कि नहीं होगा। और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि सिल्वर के फ्लोराइड ही तो सोलिबल होता है, सिल्वर के क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कैसा होता है, इन सॉलिबल। क्लियर है ना, तो आप ये सॉलिबिलिटी का ऑर्डर लिख देंगे। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा भाई, समझ में आया क्या ये? ठीक है, एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास लिखा है PbF2, PbCl2, PbBr2 और PbI2। ठीक है, अगर हम यहां में बात करते हैं तो पोलराइजेशन देखना पड़ेगा, और पोलराइजेशन में देखेंगे तो भाई चार्ज देखिए यहाँ में होगा, क्या केटाइन का चार्ज सेम है क्या, क्या ये केटाइन कॉमन है, तो क्या देखना पड़ेगा, एनायन। तो अगर हम एनायन की बात करते हैं तो बताइए एनायन में क्या होगा, अगर पोलराइजेशन का ऑर्डर लिखा जाए तो बताइए एनायन का चार्ज बढ़ता है या एनायन का साइज बढ़ता है, पोलराइजेशन अच्छा होता है कि नहीं होता है। तो बताओ एनायन का साइज, इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा मतलब उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, और जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है उसकी सोलिबिलिटी वाटर में क्या होगी, कम हो जाएगी, तो क्या सोलिबिलिटी का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, कब हाइड्रेशन एनर्जी और कब लैटिस एनर्जी से, क्योंकि मैंने आपको आपको बताया भी था कि जो सोलिबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होती है। कब ऐसा चेक करना है, जब आपका जो केटाइन हो वो कौन सा ब्लॉक से बिलोंग करे, एस ब्लॉक। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो ये सब आपको पता होना चाहिए, कब क्या लगाना है। अभी पढ़ रहे हैं तो आपको आसान लग रही है, लेकिन अभी 3-4 महीना में आपको कंसेप्ट ही पता नहीं चलेगा, सॉल्युबिलिटी कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो वो सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सेकेंड, पहला एप्लीकेशन क्या था भाई, सॉल्युबिलिटी। सेकेंड एप्लीकेशन हमारा जो होने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे, सेकेंड एप्लीकेशन को बोलेंगे कलर। ठीक है, कलर चेक करके कलर बताते हैं।
यहां से ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा कंपाउंड का कलर क्या होगा, आप ये बता सकते हैं कि उसका कलर व्हाइट, मतलब उसका जो कलर होगा लाइट होगा कि डार्क होगा, समझ पा रहे हैं ना, किसकी कलर इंटेंसिटी ज्यादा होगी किसकी कलर इंटेंसिटी कम होगी ये आप बता सकते हैं, लेकिन कौन सा कंपाउंड का कलर क्या होगा वो आप नहीं बता सकते, क्लियर है ना। तो यहां में क्या होता है, कलर के बारे में अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ कलर जो होती है, अगर हम बात करें भाई देखिए, इंटेंसिटी ऑफ कलर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, पोलराइजेशन। जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका इंटेंसिटी ऑफ कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। समझ पा रहे हैं ना, कोवेलेंट कैरेक्टर बोलिए या पोलराइजेशन बोल सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उसकी कलर इंटेंसिटी या कलर इम्पार्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कलर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, देखिए, अच्छा बताओ, कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर एक दूसरे का इन्वर्सली होगा, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि मान लो लिखा है AgF, AgCl, AgBr और AgI, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो AgF होता है वो कलरलेस होता है, कैसा होता है, कलरलेस होता है, और ये क्या बनाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो अगर कहने का मतलब है, बताइए, बोर्ड पे ध्यान देना, किसका, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका कलर इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बताइए यहाँ में AgF में क्या केटायन सब में सेम है, तो जिसका एनायन का साइज बड़ा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसका कलर इंटेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करें, मान लो ये क्वेश्चन है कि नहीं, तो देख लीजिए ये कलरलेस है, व्हाइट है, पेल येलो है, डार्क येलो है, तो क्या इसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, इसका कलर इंटेंसिटी ज्यादा है कि नहीं है। तो यहां से यहां में जा रहे हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रही है, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसकी इंटेंसिटी ऑफ कलर या कलर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, क्लियर है ना। कलर इंटेंसिटी कभी भी ये नहीं बताता है कि इसका मतलब कलर क्या होगा, ये टॉपिक से आप बता सकते हैं कि कौन सा कलर डार्क होगा कौन सा कलर थोड़ा सा डार्क नहीं होगा, क्लियर है ना। अगर हम बात करें, अगर मान लो आपके साथ में एक एग्जाम्पल दे दिया गया, PbCl2 और PbBr2 ऐसा लिख दिया है, ठीक है, बताओ किसका कलर इंपार्टिंग नेचर ज्यादा होगा, कौन ज्यादा कलर इंपार्ट करेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले केटायन देख लेंगे, है ना। तो केटायन आपने तो देख लिया +2 -1, यहां में देख लिया +2 -1, तो केटायन तो सेम है, एनायन देखना पड़ेगा, एनायन का साइज बड़ा होता है, तो एनायन का साइज बड़ा होता है तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो बताओ इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अगर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका कलर इंपार्ट करने का जो टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो इसका कलर इंपार्टिंग नेचर ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसका जो भी कलर होगा वो डार्क होगा, समझ पा रहे हैं ना, और उससे लाइट कलर होगा PbCl2 का, क्या समझ पा रहे हैं क्या आप। तो ये कलर इंपार्टिंग नेचर होगा, कॉपी कर लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड हमारा एप्लीकेशन है, इसमें टोटल 5 एप्लीकेशन है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक पढ़ी होगी, आप लोग पढ़ चुके होंगे शायद, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा था, लिथियम का वैसे साइज अगर हम बात करें, लिथियम सोडियम पोटेशियम रोबियम सीजियम, तो बड़ा साइज किसका होता है, सीजियम का, लेकिन जब सीजियम को पानी में डालेंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो जो यहाँ में हल्का दिखाई देता है पानी में जाके क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, जिसको हाइड्रेटेड रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ये कोवेलेंट लिखा है, नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है।
ठीक है, तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन को जो आप सॉल्व करना है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होती है जनरली क्या होती है कि जो जिसका नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड होता है, ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसके बाद आयनिक सॉलिड का ज्यादा होता है, उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड का ज्यादा होता है। ठीक है, तीनों में सबसे ज्यादा किसका होता है? नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड, उसके बाद किसका होता है? आयनिक सॉलिड का, सबसे कम क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड की बात करा जाए। जैसे कि अगर आपको याद होगा SiO2, याद है क्या स्ट्रक्चर? SiO2 में 8 मेंबर का रिंग बनता है, जिसमें सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। क्लियर है क्या? नहीं? ठीक है, यहां में ध्यान दीजिए, एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डेड होता है कि नहीं? मैं बोला था कि होता है SiO2 क्योंकि ये इसका कंट्रीब्यूशन आधा होता है, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक 8 मेंबर का रिंग बनती है यहां में देखेंगे तो, है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। तो SiO2 में ध्यान देना, एक सिलिकॉन के साथ में 4 ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बनाए हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा यूनिट भी SiO4 कैसा बॉन्ड बना है? कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अंदर मॉलिक्यूल में भी, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन दोनों जुड़ता कैसे है? कोवेलेंट बॉन्ड से। क्लियर है ना? तो इसको बोला जाता है नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। जैसे कि अगर हम डायमंड की बात करते हैं, तो अगर डायमंड की बात करा जाए तो आप लोग मालूम है कार्बन कितना, कार्बन के अंदर में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर दूसरा एक यूनिट होगा भाई, वो भी कितना बॉन्ड बना रहा होगा? 4। लेकिन ये दोनों यूनिट किससे थ्रू होती है, किससे जुड़ती है, ज्वाइंट होती है? कोवेलेंट बॉन्ड से। समझ पा रहे ना? तो यहां में देखो बहुत ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अगर इसको मेल्ट करना है भाई, इसका लैटिस को तोड़ना है, तो बहुत ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, जिसका वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। क्लियर है ना? अब हम, आप लोग सोच रहे होंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो होता है, जैसे कि अगर हम बात करें CO2 का एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करें, CO2 जो जानते हैं ये मॉलिक्यूल है, मतलब दोनों का बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? कोवेलेंट बॉन्ड। CO2 में कैसा बॉन्ड बना है? कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ या ना? नॉन मेटल, नॉन मेटल का बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? होता है। यहां में भी एक CO2 है, वो भी कैसा बॉन्ड है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये दोनों कोवेलेंट, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो बॉइलिंग पॉइंट होती है या मेल्टिंग पॉइंट होती है, एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, वो बल्क प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर है ना? तो यहाँ में CO2 और CO2 का बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो अट्रैक्शन होता है, CO2 से जुड़ा हुआ होता है, इसके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है भाई? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। समझ पा रहे ना? क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन कैसा है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का बीच में जो अट्रैक्शन है वो कैसा है। अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन जबरदस्त है, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या ही होगा? ज्यादा होगा। मॉलिक्यूल के अंदर में कैसी प्रॉपर्टी है वो उससे लेना देना नहीं है, मॉलिक्यूल के अंदर में कैसी प्रॉपर्टी उससे लेना देना नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल जब जुड़ रहा है, ज्वाइंट हो रहा है, तो उसके बीच में अट्रैक्शन कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वो बात पे डिपेंड करेगा। क्लियर है ना? मेल्टिंग पॉइंट। तो जो CO2 जुड़ता है, CO2 के अंदर में कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर में कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन जो मॉलिक्यूल जुड़ता है उससे जो अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? वीक होता है। अगर अट्रैक्शन वीक है भाई, तो दोनों को क्या करना है? दोनों को सेपरेट करना बहुत आसान है, तो इसकी क्या हो जाती है? मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाती है। क्लियर है ना? समझ पा रहे क्या? मॉलिक्यूलर सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? कम होगी, क्योंकि इसके बीच में जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो लेयर है, जो अट्रैक्शन है, वो कमजोर है, कमजोर है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन आयनिक सॉलिड क्या होता है? आयनिक सॉलिड का मतलब समझ ही पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहां में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन यहां में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका कोई एक लेयर नहीं बनता है, कोई यूनिट क्या होता है? रिपीट नहीं करता है। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए इससे ज्यादा किसका होता है? नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड का। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब बोर्ड पे ध्यान देना है, कुछ जिसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे डायमंड का हो गया, इसको नॉर्बाइड बोलते हैं, NORBID, नॉर्बाइड हो गया, B4C, इसके अंदर में नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड होता है। SiC को क्या बोलते हैं? कार्बोरेंडम बोलते हैं। ठीक है, और ये SiO2 को क्या बोलते हैं? सिलिका। इसके अंदर में जो स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड होती है, जिसका वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? ज्यादा होती है। और एल्युमिनियम कैसा है भाई? आयनिक सॉलिड है, तो ये नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड है और ये आयनिक सॉलिड है, तो किसका ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट? इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर मान लो नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड को हटा दिया जाए, ये तो आपको ऑर्डर याद ही रखना है, ठीक है, अगर आपके पास आयनिक सॉलिड ही दे देगा, बहुत सारा आयनिक सॉलिड दे देगा, तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? क्लियर है ना?
तो उस केस में हम लोग कुछ केसेस पढ़ना पड़ेगा जो आपको समझाया जाएगा। आप कॉपी कर लीजिए पहले ये। कॉपी हो गया ये, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ में समझेंगे, जब भी हमको समझना है कि अगर मान लो ये, तो अगर सब आयनिक आ जाए, अगर ये पता चल जाए कि ये नेटवर्क है, ये आयनिक सॉलिड है, ये मोलिकुलर सॉलिड है, तो उसमें कंपेयर करने में दिक्कत है ही नहीं। नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर आयनिक सॉलिड का होगा, और फिर किसका होगा, मोलिकुलर सॉलिड। क्या यहाँ तक क्लियर है ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना, अगर मान लो बहुत सारा आयनिक सॉलिड ही जाए, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम सल्फाइड, यही आ जाए, तो उस केस में आप कैसे मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर कर पाएंगे? ठीक है, तो उस केस में आपको दो केसेस पढ़ना पड़ेगा। केसेस वन है कि अगर हमारा जो कॉमन आयन है, ठीक है, मतलब जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा जरूर कॉमन आयन दिया जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे ना, जरूर क्या दिया जाएगा, कॉमन है। तो अगर हमारा कॉमन आयन क्या है, ग्रुप वन है, क्या है, ग्रुप वन का कॉमन आयन है, जैसे बोला जाए ग्रुप वन का मतलब समझ रहे ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, अगर ये सब दिखाई दे, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, अगर ग्रुप वन का केटायन दिखाई दे, या पीरियड नंबर वन और पीरियड नंबर टू का एनायन दिखाई दे, पीरियड नंबर वन में एनायन क्या होता है, एच माइनस, और पीरियड नंबर टू में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लियर है ना भाई? तो या तो पीरियड वन और टू के एनायन दिखाई दे, या ग्रुप वन का केटायन दिखाई दे, क्लियर है ना? उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा लैटिस एनर्जी। क्या यूज करेंगे? और लैटिस एनर्जी से आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जिसका लैटिस जितना मजबूत बनेगा उसको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मतलब लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, या मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी। लेकिन अगर हमारा मान लो कॉमन आयन ये सब में से नहीं है, ठीक है, तो अगर कॉमन आयन कोई और दूसरा है, मतलब या ग्रुप टू का है, या पी ब्लॉक का है, या डी ब्लॉक का है ना, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा पोलराइजेशन। क्या यूज करना पड़ेगा, पोलराइजेशन। तो अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, अब यहां में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, आयनिक सॉलिड को ध्यान में रखिए और यहां से देखिए। तो बताइए जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है, जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट करेक्टर, अगर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा तो आयनिक करेक्टर कम, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा तो आयनिक करेक्टर कम होगा, है कि नहीं? या अच्छा बताइए, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, जिसका आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट करेक्टर कम होगा, जितना ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट, यहां से देखो आयनिक करेक्टर ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जिसका आयनिक करेक्टर ज्यादा है तो उसका कोवेलेंट करेक्टर कम होगा, कोवेलेंट करेक्टर कम होगा तो पोलराइजेशन भी कम होगा। तो जिस केस में पोलराइजेशन ज्यादा होगा उस केस में उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम। पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, आयनिक करेक्टर कम, अगर आयनिक करेक्टर कम तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, आयनिक करेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि भाई आयनिक, ये तो किसका ऑर्डर लिखे हैं आप, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखे हैं, है कि नहीं? तो बताइए अगर हम आयनिक की बात करेंगे तो आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कि नहीं होता है, और आयनिक से भी सबसे ज्यादा किसका होता है, तो ये इसमें से कोई आ जाए तो क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्लियर है ना? हाँ ठीक है, तो आइए बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो देखिए और मेल्टिंग पॉइंट को कैसे कंपेयर करना है, चलिए थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। Thank you.
चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे, ये बहुत सारा क्वेश्चन है और आपको मेल्टिंग पॉइंट करना है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर करना है, सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस वन प्लस थ्री माइनस वन ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, देखना है कॉमन आइन, कॉमन आइन क्या है, एफ माइनस है ना। क्या बताओ एफ माइनस हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एफ माइनस क्या पीरियड वन या पीरियड टू के एन आइन अगर आ जाए, है कि नहीं, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, लैटिस एनर्जी। समझ पा रहे ना, तो मेल्टिंग पॉइंट किसे देखते हैं, लैटिस एनर्जी। तो इसमें कॉमन आइन है एफ माइनस वन है ना, या तो ग्रुप वन का केटायन आ जाए या पीरियड नंबर वन का या पीरियड नंबर टू का क्या हो जाए, एनायन आ जाए, है कि नहीं। तो उस केस में हमारा डोमिनेंट फैक्टर होता है वो लैटिस एनर्जी होती है। तो उस केस में बताइए, ठीक है, यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्या प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सबका सेम है क्या? नहीं। तो जिसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी, उसका पोलराइजेशन यहाँ में नहीं ना देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पोलराइजेशन इसमें नहीं देखेंगे, इसमें कोवेलेंट करेक्टर देख लेंगे, है कि नहीं। जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। बताओ किसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, किसका, एल आई एफ का। किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, ए एल एफ थ्री का। क्यू वन क्यू टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सबसे ज्यादा इसका लैटिस एनर्जी इसका ज्यादा होगा ना। तो इस केस में हम लोग लैटिस एनर्जी देखते हैं, है कि नहीं, लैटिस एनर्जी देखा जाएगा, क्योंकि जब जब पोलराइजेशन आएगा तो पोलराइजेशन देखेंगे। तो बताइए लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या है, बताइए बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस केस में भी कॉमन आइन बताइए क्या है, कॉमन आइन सी एल माइनस है ना, कॉमन आइन क्या है सी एल माइनस। तो सी एल माइनस तो पीरियड वन और पीरियड टू के तो है ही नहीं, तो उस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पोलराइजेशन, है कि नहीं। और पोलराइजेशन में बताओ केटायन सेम है या नहीं है, नहीं है। क्या एनायन सेम है, क्या एनायन सेम है कि नहीं। यहाँ में देखो प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस प्लस थ्री माइनस वन। तो मैंने क्या बोला था कि जब जब केटायन का चार्ज बढ़ेगा या जब जब एनायन का चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ता है कि नहीं। केटायन का साइज तो बेसिकली छोटा होना चाहिए ना, और जितना पॉजिटिव चार्ज होता है तो साइज छोटी ही हो जाती है। तो केटायन का चार्ज बढ़े या एनायन का चार्ज बढ़े क्या पोलराइजेशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा, किसमें कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होंगे, ए एल सी एल थ्री। और बताइए पोलराइजेशन अगर ज्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि भाई देखो मेल्टिंग पॉइंट जब पोलराइजेशन से सॉल्व कर रहे थे तो यही था कि जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है कि नहीं। पोलराइजेशन ज्यादा होगा मतलब कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक करेक्टर तो कम हो जाएगा। अगर आयनिक करेक्टर कम है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आप यहां में बताइए, यहां में अगर आपको सॉल्व करना है तो बताइए सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, कॉमन आयन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। अब ध्यान देना कॉमन आयन क्या है, लिथियम, है कि नहीं है। अरे भाई है ना,
तो बताओ क्या ग्रुप वन का केटाइन है कि नहीं है? अगर ग्रुप वन का केटाइन मिले या पीरियड वन और पीरियड टू के एनायन मिले तो यूज करते हैं लैटिस एनर्जी, क्लियर है ना? तो यहाँ में जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिसाइड कौन करेगा? लैटिस एनर्जी। जिसका लैटिस ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है कैसे देखा जाए लैटिस एनर्जी, क्या प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है तो क्या देखना पड़ेगा? रेडियस। जिसका रेडियस ज्यादा होता है उसकी लैटिस एनर्जी, क्या इसका रेडियस ज्यादा है क्या? तो बताओ लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? ऐसा ऑर्डर होगा कि नहीं होगा? और जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा उसकी क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट। बोलो क्लियर है ना? नहीं समझे हैं? समझे हैं। अब आइए बोर्ड पे ध्यान देना है। अगर हम बात करें ये वाला क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ में देखिए लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रूबियम ऑक्साइड, क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? क्या यहाँ में कॉमन आयन क्या लिथियम सोडियम है क्या? नहीं। कॉमन आयन क्या है? ऑक्सीजन ओ माइनस टू, और ये ओ माइनस टू क्या पीरियड टू के एनायन है कि नहीं है? है ना? H माइनस दिखाई दे, कार्बन दिखाई दे, नाइट्रोजन दिखाई दे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, अगर उसका एनायन दिखाई दे रहा है तो डोमिनेंट फैक्टर होता है लैटिस एनर्जी। तो बताइए लैटिस एनर्जी सॉल्व करेंगे तो बताइए यहाँ में क्या हो जाएगा? बताओ प्लस वन माइनस टू होगा कि नहीं होगा? प्लस वन माइनस टू सब में होगा क्योंकि सेम ग्रुप का है कि नहीं? तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सबका सेम होगा, क्या देखना पड़ेगा? केटाइन का साइज है ना? तो केटाइन का साइज जिसका बड़ा होगा उसका लैटिस एनर्जी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो बताइए लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? Li2 का होगा कि नहीं होगा? उसके बाद जो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर है वही हमारी किसकी ऑर्डर होने वाली है? मेल्टिंग पॉइंट। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड पे देखिए इधर। क्या यहां में बताओ, यहां में सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान देना है, यहां में सॉल्व करना है और बताना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ जिसका पोलराइज, यहां में देखिए कॉमन आयन कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कुछ कॉमन, यहां में दोनों में कॉमन आयन है, सॉरी यहां में 3 होगा ठीक है, तो यहां में कुछ कॉमन आयन है, यहां में तो नहीं है। हाँ हमारा कॉमन आयन के लिए तो क्या होना पड़ेगा, सॉरी कॉमन आयन क्या है? Cl माइनस, मैंने गलत बोल दिया, यहाँ में कॉमन आयन क्या है बताइए? Cl माइनस। अगर कॉमन माइनस Cl माइनस है तो बताओ यूज किससे करेंगे? पोलराइजेशन। क्या कहाँ से सॉल्व होगा क्वेश्चन? पोलराइजेशन। ये क्या कॉमन है क्या? Fe+2 Fe+3 है, अलग अलग है ठीक है। तो आप बोर्ड पे ध्यान देना है, पोलराइजेशन से सॉल्व करेंगे। और बताइए जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है केटाइन का या एनायन का, पोलराइजेशन बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। बताइए सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा? FeCl3 का होगा क्योंकि इसमें चार्ज ज्यादा है, इन दोनों का चार्ज तो क्या हो गया है? सेम हो गया है। तो एक एस ब्लॉक का केटाइन है और एक डी ब्लॉक का केटाइन है, किसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है? डी ब्लॉक का। अरे भाई किसका ज्यादा होता है? क्या ऑर्डर ऐसी हो जाएगी? और जो पोलराइजेशन का ऑर्डर है उसका उल्टा किसका ऑर्डर होता है? मेल्टिंग पॉइंट। क्या समझ पा रहे हैं क्या? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? देखिए सब में सीएल माइनस है ना, कॉमन आयन क्या है? सीएल माइनस। और ये तो ना तो पीरियड वन का है ना तो पीरियड टू का है, तो आपको यूज क्या करना पड़ेगा? पोलराइजेशन है कि नहीं? और पोलराइजेशन में देखो यहाँ में पोलराइजेशन यूज करेंगे तो केटाइन का चार्ज यहाँ में 2 2 यहाँ में 3 है, तो जिसका केटाइन का चार्ज, क्योंकि एनायन तो कॉमन है, केटाइन का चार्ज देखना पड़ेगा, जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है। तो इन दोनों में देखो चार्ज तो सेम हो चुका है, यहाँ में चार्ज ज्यादा है तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा ही होगा, लेकिन इन दोनों में चार्ज सेम हो गई है। तब चार्ज सेम हो गई है तो मैं आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन 18+2 और 8 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट कल बताई जा रही थी, जिसमें आपको बताया गया था इनर्ट पेयर, सॉरी सोडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो यहां में ध्यान दीजिएगा, जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होता है जनरली वो डी ब्लॉक का केटाइन का पोलराइजिंग पावर क्या होता है? ज्यादा होता है। उसके बाद डीपीएस नहीं बताया था क्या? डीपीएस डी का, पी का, एस का, एस का तो सबसे कम हो जाएगा ना पोलराइजिंग पावर, क्लियर है ना? तो यही है, ये डी का है और ये एस का है, तो इसका पावर किसका ज्यादा हो जाएगा? कॉपी हो गया क्या? तो ये दो एक्सेप्शन है, इसके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ में देखिए, अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट की ऑर्डर किया जाए, जैसे NaCl, KCl, RBCl, CaCl लिखा है, लेकिन सबसे कम किसका हो जाता है? LiCl का। यहाँ में कॉमन आयन क्या है बताइए? Cl- है ना, तो क्या यूज करना पड़ेगा? पोलराइजेशन। क्या यूज करना पड़ेगा? पोलराइजेशन।
अगर या में देखो ये सेम सीएल माइनस है तो पोलराइजेशन यूज करेंगे। पोलराइजेशन में क्या होगा, सब में केटाइन सेम है कि एनाइन सेम है? एनाइन सेम है, एनाइन सेम है ना, तो केटाइन का साइज इसका बड़ा होगा उसका पोलराइजेशन कम होगा, जिसमें केटाइन का साइज छोटा होता है उसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है। तो होना क्या चाहिए था, एल आई सी एल का सबसे ज्यादा, फिर एन ए सी एल, फिर के सी एल, आरबी सी एल, सी एस सी एल, होगा ना ऐसा। लेकिन किसका सबसे कम हो जाता है, एल आई सी एल का। एल आई सी एल का रीजन कम होने का भी रीजन यही है कि इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है, एल आई सी एल में कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा होता है। मैं बोला था ना लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम ना, तो इसमें जो कंपाउंड होते हैं उसके क्या होते हैं भाई, उसमें अगर उसके ज्यादातर कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं, अगर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही एक रीजन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ में देखिए बेरिलियम ऑक्साइड इसमें कॉमन क्या है, ओ माइनस टू है कि नहीं, तो बताओ इसमें क्या यूज करेंगे, लाइटिस एनर्जी है कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। फिर जिसका साइज, इसका साइज बड़ा है तो इसका लैटिस एनर्जी कम होगा, इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। होना किसका चाहिए था, बेरिलियम ऑक्साइड का, लेकिन बेरिलियम कहाँ में आ जाता है, देखिए यहाँ में क्या बोला गया है, इसमें अगर आपको कंपेयर करना है तो आप करते क्या, आप सबसे पहले ओ माइनस टू कॉमन आइन यहाँ में बताओ क्या है, ओ माइनस टू क्या यूज करते हैं, लैटिस एनर्जी है कि नहीं। और लैटिस एनर्जी क्यू वन क्यू टू मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज तो सबका सेम है, तो क्या देखते हैं साइज, क्या देखते हैं साइज। तो साइज में जिसका केटाइन का साइज बड़ा होगा उसका लैटिस एनर्जी कम होगा, लैटिस एनर्जी कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, है ना। तो होना क्या चाहिए था, बेरिलियम ऑक्साइड का सबसे आगे होना चाहिए था, एक्सेप्शन है, बेरिलियम ऑक्साइड बेरियम ऑक्साइड के बीच आगे आता है, ठीक है। तो ये जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे तो इसलिए हमें क्या लिखा गया, एक्सेप्शन। तो ये दो एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, मतलब अगर एल आई सी एल, एन ए सी एल, के सी एल, आरबी सी एल, सी एस सी एल में दिया जाए और मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, एल आई सी एल का, और इसमें बेरियम ऑक्साइड, और लेकिन जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो लास्ट से फर्स्ट आ जाएगा, क्लियर है ना। तो एक्सेप्शन है तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि अब आगे पढ़ने की जरूरत है ना। तो अब हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, और इसमें मैक्सिमम रिएक्शन आपको यहाँ में कवर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल डिकम्पोजिशन या हम लोग बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दो, क्या आप लोग कभी नाम सुने हैं क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज को यहाँ में पूरा अच्छा डिटेल में पढ़ना है। अगर हम लोग पढ़ते थे कि जब भी पहला जो चैप्टर था हम लोग का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन है ना, उसमें बहुत सारा टाइप का रिएक्शन पढ़ते थे, कॉम्बिनेशन है कि नहीं, कॉम्बिनेशन का मतलब समझ ही पा रहे होंगे, बहुत सारा कंबाइन करेगा रिएक्टेंट और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो कॉम्बिनेशन। और एक होता था डिकम्पोजिशन, क्या होता था डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट को जब हम हीट करते थे तो बहुत सारा सिंपलर या में अलग अलग बहुत सारा प्रोडक्ट बनता था, एक से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बने तो इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन है कि नहीं। तो यहाँ में क्या लिखा गया है, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब हीट देके उसको क्या करना है, अरे भाई क्या करना पड़ेगा, इसको हीट देना पड़ेगा, हीट देंगे तभी ना ये टूटेगा बॉन्ड, है ना, डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे कि आप लोग बहुत फेमस एग्जांपल, जैसे आप लोग पढ़ते थे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देते थे आप लोग तो क्या बनता था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये पढ़े हैं आप लोग। लेड नाइट्रेट को हीट करते थे, वो भी आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है लेड नाइट्रेट को अगर हीट किया जाए, लेड नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, क्लियर है ना। तो इस मेटल का नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनता था, क्या क्या, लेड का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ब्राउन कलर का NO2 गैस निकलता था, है कि नहीं। तो ये सारी ये थर्मल डिकम्पोजिशन आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, अब इसको यहाँ में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, 10 में तो रटते हैं कि ऐसा ऐसा बनता है, अब यहाँ में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे याद रखना है। तो देखिए भाई बोर्ड पे ध्यान देंगे, जनरली हम लोगों को क्या करना होगा ना, मेटल का, मेटल के कार्बोनेट का हीटिंग करना होगा, या तो मेटल का बाइकार्बोनेट के, मेटल का बाइकार्बोनेट को हीट करना पड़ेगा, या तो मेटल का हाइड्रोक्साइड को हीट करना पड़ेगा, या तो को भी अभी नहीं करना है पहले समझना है, या तो हम लोगों को मेटल का नाइट्रेट को हीट करना पड़ेगा, या तो हम लोग मेटल का सल्फेट को हीट करेंगे, या तो हम लोग मेटल का क्लोराइड को हीट करने वाले हैं, हैलाइड बोल सकते हैं जनरली, और या तो हम लोग को अमोनियम सॉल्ट को हीट करना होगा,
ठीक है, ये सब ही हमको हीटिंग इफेक्ट, इसमें मैक्सिमम रिएक्शन जो आपकी हैं वो यहाँ में सब कवर हो जाएंगे। और जब भी आप ये सब रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप एक चार्ट जरूर बनाइए और रिएक्शन को लिखिए, और जब आप जो जो स्टडी टेबल पढ़ते हैं उसमें जरूर भाई पेस्ट करिए और उसको चिपका दीजिए, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन अभी पढ़ेंगे। देखो 100% में 95% रिएक्शन समझने वाला है, समझ लेंगे, लेकिन भाई समझ के अल्टीमेटली तो आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। अगर आप अभी रिएक्शन पढ़ रहे हैं और चार दिन तक छोड़ दो भाई तुमको याद रहेगा ही नहीं, क्लियर है ना भाई। तो चलिए इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। देखो भाई यहाँ में, देखो यहाँ से अभी हम बात करेंगे, अभी इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक ये जो उसके ऊपर में जो लिखा है वो मेटल का ये जो कार्बोनेट, यहाँ में देखो यहाँ में ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है क्या, सबके साथ में ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट है, क्लियर है ना भाई। मेटल कार्बोनेट ये भी तो एक सॉल्ट है ना, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है, है। तो इसकी रिएक्शन कुछ एक जैसी होगी और इसका कुछ अलग होगा, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है ना। ये ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो मेटल के साथ में तो रिएक्शन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड, क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। तो ये सब में क्या बनने वाला है भाई, मेटल ऑक्साइड, क्लियर है ना। तो ये मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब ध्यान से सुनिए, ट्रिक समझिए कैसे लिखना है, बताओ। मेटल और ऑक्सीजन को छोड़ के देखो क्या बचा, मेटल ऑक्सीजन को छोड़ के क्या बना, कार्बन। तो कार्बन का भी ऑक्साइड क्या बनेगा, CO2, क्या बनेगा, जो बच गया कार्बन मेटल और ऑक्सीजन को छोड़ के जो बचेगा उसका ऑक्साइड बनाइए, तो कार्बन का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, CO2। अरे बनेगा ना ऐसा, बताओ मेटल, मेटल और ऑक्सीजन को छोड़ के बताओ क्या क्या बच रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड वाटर होता है, क्या होता है, और कार्बन का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, CO2, क्लियर है ना। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, मेटल और ऑक्सीजन को छोड़ के क्या बचा, हाइड्रोजन, क्या बना, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O। तो क्या यहाँ में क्या बनने वाला है, मेटल का ऑक्साइड प्लस वाटर, क्लियर है ना। यहाँ में क्या बनेगा बताइए, मेटल ऑक्सीजन को छोड़ के क्या बच रहा है, नाइट्रोजन, क्लियर है ना भाई। लेकिन नाइट्रोजन के तो बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, है कि नहीं, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं भाई, N2O होते हैं, NO2 होते हैं, N2O3 होते हैं, N2O4 होते हैं, N2O5 होते हैं, कौन सा ऑक्साइड बनाया जाए, तो जो जिसका कलर ब्राउन होता है, किसका कलर, जिसका कलर ब्राउन होता है, ब्राउन किसका कलर होता है, NO2 का। तो यहाँ में ब्राउन कलर वाली गैस बनानी है, NO2 बनाना है, क्या बनाना है, NO2, ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या। अब देखो भाई यहाँ में क्या होगा, मेटल और ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ में कुछ एक और प्रोडक्ट लिखना है, अभी मैं बाद में लिख दूंगा। देखो मेटल और ऑक्सीजन के साथ में, देखो मेटल ऑक्सीजन के साथ में क्या बचा, सल्फर। तो सल्फर का ऑक्साइड क्या बनेगा, SO2, और SO3 में बनता है SO3, है क्लियर है ना। तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, क्लियर है ना। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको रिएक्शन पढ़ाई जाती है, रिएक्शन पढ़ाई जाती है नाइट्रिक एसिड के साथ में, मतलब HNO3। अच्छा बताओ एनायन कहाँ से आता है, एसिड से, एनायन कहाँ से आता है, और ये बताओ NO3 कहां से आया हुआ होगा, HNO3 से, ठीक है, समझ पा रहे ना। तो अगर हम बात करते हैं HNO3, आप देखेंगे तो इसके कभी कभी होता है कि कंसंट्रेटेड HNO3 लिखा है कि डाइल्यूट HNO3 लिखा है, इसके रिएक्शन हम अलग अलग में पढ़ते हैं, तो कंसंट्रेटेड मीडियम में पढ़ते हैं और एक डाइल्यूट मीडियम में पढ़ते हैं, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। कहने का मतलब है कि जो HNO3 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, समझ पा रहे हैं क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो सबके साथ रिएक्शन करता है, क्या करता है, सबके साथ रिएक्शन करता है। अगर सबके साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ पा रहे हैं ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ पा रहे हैं क्या। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बताइए खुद तो रिड्यूस हो जाएगा लेकिन दूसरा को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, समझ पा रहे ना, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। आप लोग मालूम है कि यहाँ में नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 5। नाइट्रोजन 5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर सकता है। तो जब ये किसी के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या कभी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो सकता है क्या, नहीं भाई, 5 से तो कम ही होगा ना, 5 से कम होगा मतलब रिडक्शन होगा, जिसको रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लियर है ना, मतलब खुद रिड्यूस होगा और सामने वाला को ऑक्सीडाइज करेगा, और सामने वाला को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या देगा, ऑक्सीजन, क्या देगा, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ में प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO2, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाला को क्या देगा, ऑक्सीजन, तो O2 प्रोडक्ट बनता है, क्लियर है क्या। तो यहां से आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। अगर आपसे कोई बोलेगा कि बताओ लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, चाहे लेड नाइट्रेट की बात कर रहे थे आप लोग, तो नेट लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाएगा तो बताओ क्या बनेगा, नाइट्रेट है कि नहीं है, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, समझ पा रहे ना। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड,
समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? और आप लोग जानते होंगे कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा है? मेटल का ऑक्साइड का नेचर एसिडिक या और बेसिक? बेसिक कैसा होता है भाई? बेसिक। मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसे होते हैं? बेसिक या एम्फोटेरिक। क्या होते हैं भाई? बेसिक या एम्फोटेरिक। तो ये इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा? बेसिक होगा या तो क्या होगा? एम्फोटेरिक। अरे भाई होगा कि नहीं होगा? कि अगर जनाबे वली वाला मेटल आ जाए, है कि नहीं, वरना कार में जनाबे अली सनक पड़े, तो इनका जो ऑक्साइड होता है उनका नेचर कैसा होता है? जनाबे अली एल्युमिनियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। तो ये मेटल है कि नहीं है? तो मेटल का ऑक्साइड का नेचर या तो क्या हो सकता है? बेसिक, या तो क्या हो सकता है? एम्फोटेरिक। कब एम्फोटेरिक होगा? जब वो जनाबे अली। जिंक का ऑक्साइड का नेचर एम्फोटेरिक है, बताया गया था ना ये। चलिए CO2 बताओ क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल का ऑक्साइड है क्या? तो नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? एसिडिक। तो भाई आप आराम से बता सकते हैं एसिडिक। ये क्लियर, बोलो क्लियर है ना? NO2 का कलर कैसा होता है? भूरा कलर होता है। कैसा कलर? ब्राउन। इंग्लिश में बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे? ब्राउन। O2 का नेचर पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है? क्यों सोचे इतना देर? 16 इलेक्ट्रॉन इसके पास, पैरा डाया, पैरामैग्नेटिक। क्या बोस? बोस याद है क्या? बोस 10 16 32 इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर। होता कैसा है? पैरामैग्नेटिक। क्या सारे 10 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होता है? नहीं, होमो डायटोमिक होना चाहिए। सेम टाइप का डायटोमिक मॉलिक्यूल है और उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है या 16 है या 32 है, तो वो क्या होता है? क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। समझ पा रहे ना? बताओ वाटर कैसा हुआ? वाटर न्यूट्रल। क्या है बोलिए? न्यूट्रल। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, ध्यान से सुनिए, कोई बोलेगा कि मान लो एक मेटल, मेटल को हीट किया गया, ठीक है, समझ पा रहे ना? यहाँ में कोई कंपाउंड है, देखो एक्स, इसको हीट किया गया, समझ पा रहे ना? तो दो ऑक्साइड बना, कितने ऑक्साइड बना? तो बताओ क्या क्या हो सकता है? अभी ध्यान देना, बहुत सारा कहानी, क्या क्या हो सकता है? मान लो यहाँ में कोई कंपाउंड है एक्स, जिसको हीट करने से दो ऑक्साइड बना, बताओ क्या ये ऑक्साइड है? मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड है कि नहीं? क्या ये भी ऑक्साइड है? क्या ये, यहाँ में तीन प्रोडक्ट बना, वहां में बोला दो प्रोडक्ट बना, कितना प्रोडक्ट बना? यहाँ में कितने प्रोडक्ट बने? क्या दोनों ऑक्साइड है कि नहीं है? क्या यहाँ में तीन बना, यहाँ में दो बना? अगर कोई बोलेगा कि ये कंपाउंड एक्स है जिसको हीट करने पे दो ऑक्साइड बना, तो बताओ या तो हमारा फर्स्ट हो सकता है, या तो हमारा ये थर्ड हो सकता है, या तो हमारा ये हो सकता है। बोलो क्लियर है क्या? अगर मान लो यहाँ में बोलो CO2, CO2 का नेचर कैसा है? एसिडिक। कैसा है? एसिडिक। और ये बताओ न्यूट्रल। ये बताओ मेटल का ऑक्साइड का नेचर आप लोग जानते हैं, बेसिक या तो एम्फोटेरिक होगा, है कि नहीं है? SO3 क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल का ऑक्साइड है एसिडिक इन नेचर। समझ पा रही है ना? तो अगर बोलेगा एक कंपाउंड एक्स है जिसको हीट करने पे मेटल का ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन गैस निकली और ब्राउन कलर का गैस निकला, तो समझ सकते हैं कि किसको हीट किया गया होगा? नाइट्रेट, मतलब वो मेटल का नाइट्रेट होगा जिसको हीट करने से मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। कोई बोलेगा एक कंपाउंड एक्स है जिसको हीट करने पे दो ऑक्साइड मिला, कितना ऑक्साइड मिला? बताओ क्या क्या हो सकता है? सब हो सकता है। अरे भाई दो ही होगा ऐसा नहीं बोला है ना, दो ऑक्साइड होगा, तो दो ऑक्साइड में यहाँ में दो ऑक्साइड है, क्या यहाँ में भी दो ऑक्साइड है? यहाँ में भी दो ऑक्साइड। बोलो क्लियर है ना भाई? हाँ, तो आप ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देना, ठीक है, समझ पा रहे ना? एक कोई बोलेगा कि एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड वाई है जिसको हीट करने पे क्या हो रही है, हमको मेटल को ऑक्साइड, दो ऑक्साइड मिला, एक न्यूट्रल है और दूसरा एसिडिक है, तो क्या क्या हो सकता है? एक न्यूट्रल है, दूसरा एसिडिक है। एक मेटल है जिसको हीट करने पे हमारा जो ऑक्साइड बना उसका नेचर, एक तो न्यूट्रल ऑक्साइड है, दूसरा एसिडिक है, तो क्या क्या हो सकता है इसमें से? अरे भाई क्या ये इसमें न्यूट्रल है क्या? नहीं। क्या इसमें न्यूट्रल है, एसिडिक है? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। और कहीं न्यूट्रल एसिडिक नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ किसकी बात किया जा रहा है? बाइकार्बोनेट। किसकी बात कर रहे हैं? एक बात बताना भूल गया, इधर देखिए, अगर हम बात करें यहां में क्या कार्बोनेट, ये है बाइकार्बोनेट। यहां में जो भी एनायन देख रहे हैं, सबसे बड़ा एनायन होता है बाइकार्बोनेट। क्या होता है भाई? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं ना, तो सबसे पहले कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? मेटल का कार्बोनेट, फिर हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। मतलब अगर बाइकार्बोनेट से मेटल का ऑक्साइड बनाना है तो दो स्टेप में होता है, लेकिन जब ये बड़ा आयन है ना, बड़ा आयन है और इसको हीट करेंगे, मान लो ये बड़ा भाई है और इसका कार्बोनेट छोटा भाई होता है, तो बड़ा भाई को हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? छोटा भाई। क्या मिल जाएगा? छोटा भाई। क्लियर है ना? फर्दर इसको और हीट करते तो हमारा बन जाता है मेटल का ऑक्साइड, लेकिन हमको रिएक्शन यहीं तक रोकना है। तो बताइए, आपको याद रखना पड़ेगा, मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, मतलब बड़ा भाई को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? छोटा भाई। क्लियर है ना भाई? ये याद रखना, क्योंकि उसका साइज क्या है? बड़ा है, एनायन बड़ा है, तो फर्स्ट स्टेप में ही डायरेक्टली मेटल का ऑक्साइड नहीं मिलता है। क्या आप समझे नहीं समझे?
मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया। एक बार मैं मिटा रहा हूँ और आपको बोलना है कि क्या क्या बनेगा इसमें। अभी देखो ये पढ़ के पूरा 70% पूरा रिएक्शन आप कर सकते हैं, 30% दिक्कत हो सकती है, और वो दिक्कत को अभी मैं फाइव से समझाऊंगा, ठीक है? फाइव बोले तो क्या होता है, सोचो तब तक। पोलराइजिंग पावर होता है कि नहीं, जिसको आयनिक पोटेंशियल बोलते थे। हाँ तुम लोग सोच रहे हो पता नहीं क्या लिख दिया फाइव। तो यहाँ में देखिए बोर्ड पे ध्यान देना है, बताओ यहाँ में अगर सबसे पहले हम बात करें तो देखिए क्या यहाँ में सब में बताओ ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट है कि नहीं है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, है क्या इन दोनों में ऑक्सीजन है क्या नहीं, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो अगर हम बात करें थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब जिसको हीट करने से बॉन्ड टूट जाए, तो बताओ कार्बोनेट को, कार्बोनेट में तो बताओ सबसे पहले मेटल ऑक्सीजन के साथ में जाएगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड क्या बनाएगा, और उसके बाद क्या बनेगा, जो मेटल और ऑक्सीजन के साथ में जो एलिमेंट बनेगा उसका ऑक्साइड बन जाएगा, तो बताओ कार्बन का क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बोलो क्लियर है ना? यहाँ में देखो क्या बड़ा भाई है क्या बाइकार्बोनेट, बड़ा भाई को हीट करने से छोटा भाई, छोटा भाई क्या बनेगा, कार्बोनेट। उसके बाद मेटल और ऑक्सीजन छोड़ के क्या क्या बचा, हाइड्रोजन और कार्बन, तो हाइड्रोजन से क्या बनेगा वाटर, कार्बन से क्या बनेगा CO2। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा चलो यहाँ में बताओ हाइड्रोक्साइड मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन तो क्या बनेगा H2O, क्या बनेगा H2O मेटल नाइट्रेट। तो बताओ मेटल एक बार ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, क्या बच गया नाइट्रोजन, मेटल ऑक्सीजन छोड़ के जो बच रहा है एलिमेंट उसका ऑक्साइड बनाना है, तो नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनाना है, NO2, और साथ में ये क्या है बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं, तो सामने वाला को क्या देगा ऑक्सीजन, सल्फेट है ना यहाँ में, तो बताओ मेटल ऑक्सीजन के साथ में क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। क्लियर है ना? और बताओ यहाँ में क्या है ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन छोड़ के क्या बचा सल्फर, सल्फर का कौन सा ऑक्साइड बनाना है SO3, क्या बनाना है SO3। क्लियर है ना भाई? अरे भाई वन बाई वन अभी आप डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ में अगर हम बात करें केटाइन का फाइ के बारे में, मतलब हम एस ब्लॉक के केटाइन के बारे में बात कर रहे हैं, और एस ब्लॉक के केटाइन का पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर हम लिखेंगे। एक तो होता है लो फाइ, दूसरा होता है हाई फाइ, ठीक है? एक होता है लो फाई और दूसरा होगा हाई फाई, ठीक है? हाई फाई मतलब ये फाई, ठीक है? तो ये केटाइन का देखना है, पोलराइजिंग पावर किसका देखना है भाई, केटाइन का। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर हमारे पास में देखिए किसका हाई फाई होता है, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? फाई बोला जाए तो क्या होता है, चार्ज बाई साइज ही तो होता है। अगर चार्ज हम बात करते हैं, देखो ग्रुप नंबर टू के इलेवन और ग्रुप नंबर टू के केटायन और लिथियम जो होता है उसको हाई फाई बोला जाता है। हाई उसकी हाई उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है ग्रुप वन से, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है कि नहीं होता है बताओ भाई। ग्रुप वन और ग्रुप टू, ग्रुप वन का चार्ज +1, ठीक है? बोर्ड पे ध्यान दे रहे हैं आप लोग, लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज छोट जाएगा, फिर जिग जैग उल्टा है। क्या ग्रुप नंबर टू का साइज छोटा होता है क्या ग्रुप नंबर वन से, है कि नहीं है? क्या ग्रुप वन का सबसे बड़ा साइज किसका किसका होता है भाई, CGM, है कि नहीं? तो बताओ क्या इसका क्या है भाई, चार्ज है टू और चार्ज का वजह से साइज और छोटा हो जाएगा, और इसका साइज इसके कंपेयर में तो छोटा ही होता है। जिग जैग उल्टा एन करके आपको बताया गया था, नहीं बताया गया था ऐसा, जिग जैग उल्टा एन ऐसा करके ऑर्डर था। तो यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना है, कहने का ये मतलब है क्या, इसका चार्ज बाई साइज की वैल्यू ज्यादा आएगी ना, तो इसको क्या बोला जाएगा, हाई फाई, ठीक है? समझ पा रहे ना? अच्छा लिथियम को क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि लिथियम का यहाँ में अगर इसकी बात करें तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रेंजियम बेरियम रेडियम, क्या इसको हम लोग इसका जो केटाइन होगा भाई इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हाई फाई, क्या बोलेंगे, हाई फाई। इनका जो पोटेंशियल होगा आयनिक पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है? और जिनका +1 चार्ज है क्या है भाई, जिनका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे एल्कली मेटल, जिनका एल्कली मेटल +1 की बात किया जाए तो जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रोबियम CGM, यहां में देखिए +1 +1 +1 अगर हम बात करें ना, तो लिथियम को हाई फाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसका होता है, मैग्नीशियम के साथ में, तो अगर ये हाई फाई है तो इसको भी कहां रखेंगे, हाई फाई के कैटेगरी में रखेंगे। तो बताओ हाई फाई वाला कौन कौन सा है, ग्रुप टू का केटायन और लिथियम, और बाकी लिथियम को छोड़ दिया जाए तो बताओ यहां में सोडियम पोटेशियम रूबियम CGM ये सब क्या हो जाएंगे, लो फाई। क्या समझ में आया? तो कहने का ये मतलब है ना कि इनके जो बाइकार्बोनेट होते हैं, इनके बाइकार्बोनेट किसका, जिसका हाई फाई है, ठीक है? ग्रुप टू और लिथियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए आप बाइकार्बोनेट में एक्सेप्शन लिखाया गया था,
कि हम जा रहे थे तो यहाँ मैं लिखा था लिथियम को छोड़ के सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसा ऐसा यहाँ मैं लिथियम नहीं लिखा था, बोला था कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, उसका रीजन यही है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि अगर ग्रुप नंबर टू है, ग्रुप नंबर टू है जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंजियम, बेरियम और लिथियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्लियर है ना, वो किस लिक्विड या गैसियस में करें लेकिन वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या समझ पा रहे हैं, क्या तुम लोग समझ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें भाई, देखो इनकी कार्बोनेट, इनकी सल्फेट, इनकी हाइड्रोक्साइड, इनका नाइट्रेट, इनका बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगर हम देखो ग्रुप नंबर टू का जो ग्रुप नंबर टू के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर टू का जो केटाइन होगा और लिथियम, ये अभी मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा रहा हूँ, शुरुआत वहां से शुरू किया जाएगा, है ना। तो इनका जो इनका जो बाइकार्बोनेट होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लियर है ना, ये बात आपको याद हो गई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम देखते हैं भाई, जैसे कि ग्रुप नंबर वन का जो कार्बोनेट है, ग्रुप नंबर वन का कार्बोनेट ग्रुप नंबर टू का, सॉरी ग्रुप नंबर वन बोला जाए तो कौन कौन सा हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम रोबियम सीजियम के कार्बोनेट सल्फेट हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होते हैं, क्या होते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, इनका डिकम्पोज थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होता, क्यों नहीं होता है, ध्यान दीजिए, क्या क्लियर है ना भाई। अगर हमारे पास में सोडियम है, समझ पा रहे ना, सोडियम कार्बोनेट, समझ पा रहे ना, पोटेशियम कार्बोनेट या रूबियम कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट का अगर आप हीट करना चाहते हैं तो इनका थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये डिकम्पोज, इसको ज्यादा आपने क्या किया, हीट किया, ज्यादा टेम्परेचर दिया, और ज्यादा जब टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होगा, क्या होगा, डिकम्पोज नहीं, मेल्ट हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, मेल्ट हो जाता है। थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देंगे, इसके बारे में बात किया जाए यहाँ में, क्योंकि देखो इस केस में अगर हम बात, जब पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होगा तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, अगर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा तो आयनिक करेक्टर कम, अरे भाई जो आयनिक कंपाउंड होता है वही ना सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कोवेलेंट कंपाउंड लिक्विड और गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लियर है ना। अब आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अब हम बात कर रहे हैं ये सब एलिमेंट की, इनका कार्बोनेट सल्फेट हाइड्रोक्साइड क्या होता है भाई, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, डिकम्पोज क्यों नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम जानते हैं, आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम पोलराइजेशन की बात करें, किसकी बात करें, पोलराइजेशन, क्या ये केटायन है, मान लो क्या है केटायन, क्या इस पे चार्ज वन ही होगा, क्योंकि ये सब एलिमेंट है तो चार्ज वन होगा, क्या यहाँ में देखो दोनों में ध्यान देना, -2 -2, क्या ये प्रोडक्ट सेम सेम है, क्या है एनायन भाई, पोलराइजेशन में वही ना देखते हैं चार्ज, एनायन का चार्ज सेम सेम, केटायन का चार्ज सेम सेम है कि नहीं, तो पोलराइजेशन से तो होगा नहीं, कैसे होगा, लैटिस एनर्जी से। अगर हम बात करते हैं, देखो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q1 Q2 बाई R, होता है कि नहीं होता है, तो बताओ यहाँ में प्रोडक्ट ऑफ लैटिस एनर्जी, क्लियर है ना भाई, और इनका नीचे में देखेंगे यहाँ में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, क्या इसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा है, क्या इसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इन दोनों को, दोनों पे फोकस करो और इस पे फोकस करो, क्लियर है ना भाई, और इस पे भी फोकस करेंगे, इसको हम बाद में बताएंगे, पहले इसमें प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कार्बोनेट नाइट्रेट में, और ये जो 5 पे चार्ज +1 है, क्या यहाँ में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, क्या इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, क्या नीचे वाला नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट में लैटिस एनर्जी कम होगी, तो अगर लैटिस मजबूत है भाई उसको तोड़ने के लिए क्या ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, अगर ज्यादा आप टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होता है कि उस, अगर इसका डिकम्पोजिशन आसानी से नहीं होता है, क्योंकि इसकी लैटिस मजबूत बनती है, इसकी लैटिस मजबूत बनती है, अगर लैटिस मजबूत बनेगा और आपको जबरदस्ती हीट करेंगे, समझ पा रहे ना, समझ पा रहे ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, लेकिन डिकम्पोज नहीं होता है, समझ पा रहे हैं, जितना मर्जी उतना टेम्परेचर दे दीजिए ये बोलेगा मेल्ट होगा ही नहीं, क्लियर है ना भाई, समझ पा रहे ना, तो ये मेल्ट हो जाता है, सॉरी मेल्ट हो जाता है, डिकम्पोज नहीं होता, क्लियर है ना। तो किस किस के कार्बोनेट नाइट्रेट, और किस किस के कार्बोनेट नाइट्रेट, लिथियम, सॉरी लिथियम नहीं, सोडियम पोटेशियम रुबियम सीजियम के कार्बोनेट सल्फेट हाइड्रोक्साइड इजिली डिकम्पोज नहीं होते, मतलब ये डिकम्पोज होते ही नहीं, ये क्या हो जाते हैं, अगर ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, क्लियर है ना। अच्छा यहाँ में तो बात समझ में आ रही थी कि कार्बोनेट सल्फेट में तो लैटिस ज्यादा था तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी इसकी मजबूत थी इसलिए वो डिकम्पोज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ में तो समझ में नहीं आई है कि नहीं, क्या इन तीनों में बताओ क्या प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है, Q1 Q2 क्या सेम है कि नहीं है, केटायन का चार्ज +1 है क्योंकि ग्रुप वन का मेंबर है, क्लियर है ना। तो क्या OH- NO3- और बाइकार्बोनेट में क्या प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है, तो क्या देखना पड़ेगा, रेडियस, क्या देखना पड़ेगा,
क्या OH का साइज बहुत छोटा है? OH का साइज बहुत छोटा है, क्लियर है ना? ये देखो NO3 और CHCO3 में, तो क्या इसका साइज छोटा है? साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, अगर लैटिस, अरे भाई रेडियस छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा ना होगा, अगर रेडियस कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, और लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा मतलब लैटिस मजबूत है, मजबूत है तो वो डिकम्पोज नहीं करेगा। तो याद रखना ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से, कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, ये क्या नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं। और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्ट। क्या समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अब देखिए नाइट्रेट की बात करते हैं और बाइकार्बोनेट की बात करते हैं। क्या ये बड़ा साइज है? क्या इसका बड़ा साइज है? इसका बड़ा साइज है तो इसकी लैटिस कमजोर होगी, तो क्या ये आसानी से डिकम्पोज होगा? क्या इसकी साइज बड़ी है कि नहीं है? है, तो क्या ये आसानी से मेल्ट, आसानी से क्या होगा, डिकम्पोज। लेकिन बताओ क्या NO3 माइनस है, क्या ये डिकम्पोज नहीं होगा और ये आसानी से डिकम्पोज होगा? क्या उसके बीच में प्रॉपर्टी शो कर रहे कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। मतलब जो NO3 माइनस है ना भाई, ये तो डिकम्पोज होगा लेकिन वो उसका कंडीशन अलग अलग है। मतलब लो टेम्परेचर में डिकम्पोज होके कुछ अलग प्रोडक्ट देगा और हाई टेम्परेचर में डिकम्पोज होके अलग प्रोडक्ट देगा। तो डिकम्पोजिशन भी दो प्रकार की होगी, ये तो कंप्लीट डिकम्पोजिशन और एक पार्शियल डिकम्पोजिशन, क्लियर है ना? तो जब हम बात करेंगे पार्शियल डिकम्पोजिशन हो रही है मतलब टेम्परेचर लो दी जा रही है, समझ पा रहे हैं ना? तो लो टेम्परेचर में अलग प्रोडक्ट बनेगा कुछ और हाई टेम्परेचर में कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो जब इसमें हाई टेम्परेचर दिया जाएगा तो कंप्लीट डिकम्पोज हो जाएगा, जब टेम्परेचर कम दिया जाएगा तो पार्शियल डिकम्पोजिशन होगा, दोनों केस में प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। तो यहां में दिक्कत नहीं है तो बताओ, मैंने तो जनरल बात करा कि जो मेटल के नाइट्रेट होते हैं उनका डिकम्पोजिशन कराएंगे, मेटल का जो कार्बोनेट होगा डिकम्पोज होकर मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, डिकम्पोज होगा, है कि नहीं? लेकिन वही सोडियम के कार्बोनेट को डिकम्पोज आसानी से नहीं करते, डिकम्पोज होगा ही नहीं। तो ये तो जनरल मेटल की बात हो रही थी ना, तो यहां से तो 70% रिएक्शन हो जाएगा। जो 30% बचा है उसको ये समझना पड़ेगा, केटायन का पोलराइजिंग पावर के बारे में समझना पड़ेगा और जनरली आपको एस ब्लॉक के बारे में देखना पड़ेगा। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। तो यहाँ में जो फाई है उसकी जो आयनिक पोटेंशियल है उसको दो पार्ट में बात करेंगे, एक तो लो आयनिक पोटेंशियल, एक तो हाई आयनिक पोटेंशियल। और लो आयनिक पोटेंशियल किसकी होती है? ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 में लिथियम का नहीं, सोडियम पोटेशियम रोबियम सीजियम का। और हाई आयनिक पोटेंशियल किसकी होती है? ग्रुप 2 और किसकी? लिथियम का, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ में उसका रिलेशनशिप ऐसा है, डायगोनल है, तो मैग्नीशियम का जो होगा वही लिथियम की प्रॉपर्टीज होगी, क्योंकि लिथियम जो होता है अपने ग्रुप में एनामोलस प्रॉपर्टी शो करता है, क्लियर है ना? तो ये हाई इसकी हो गई ना। तो मैंने बोला कि ग्रुप नंबर टू है और ग्रुप नंबर 1 है, इनके बाइकार्बोनेट सॉलिड एसिड में एग्जिस्ट, क्या है इनके बाइकार्बोनेट सॉलिड एसिड में एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम के बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट करेगा, पोटेशियम का करेगा, रुबियम का करेगा, सीजियम, सबके बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट करते हैं। किसके बाइकार्बोनेट सॉलिड एसिड में एग्जिस्ट नहीं करेगा? लिथियम और ग्रुप 2 के बाइकार्बोनेट सॉलिड एसिड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये कहानी यही में खत्म हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रुप नंबर लो फाई, जिसकी लो फाई है। ठीक है, तो अगर बताइए क्यों ये करेगा, उसका भी मैंने ये समझा दिया था, क्योंकि यहाँ में जो फाई की वैल्यू है, आयनिक पोटेंशियल फाई भी ज्यादा है क्योंकि लिखा है हाई फाई, है ना? तो इसकी फाई की वैल्यू ज्यादा है, फाई ज्यादा है मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। और यहाँ में देखिए, यहाँ में बाइकार्बोनेट छोटा आयन है कि बड़ा आयन है? मैं बोला था बड़ा आयन को हीट करेंगे तो छोटा, बड़ा भाई को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? छोटा भाई। बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट बनता है, क्लियर है ना? तो ये इनका एनायन भी क्या कर रहा है, इस कोवेलेंट करेक्टर में मदद कर रहा है, क्योंकि एनायन का साइज भी बड़ा है कि नहीं? ये पोलराइज होना चाहता है और ये पोलराइज करना चाहता है, तो क्या दोनों का बीच में क्या जबरदस्त होगा, कोवेलेंट करेक्टर, क्लियर है ना? और जब कोवेलेंट करेक्टर होगा तो याद रखेंगे आयनिक कंपाउंड में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है कि नहीं? इसलिए आयनिक कंपाउंड हमारे क्या बनते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या बताओ, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? कम। कम होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे, या तो वो लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे या तो वो गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। क्या ये क्लियर है? अब आइए इस भर जिस, अगर हम बात करते हैं भाई सोडियम पोटेशियम रोबियम सीजियम, ठीक है, क्योंकि ये सब जो केटायन होता है उनका जो आयनिक पोटेंशियल होती है कम होती है। क्या होती है? कम होते हैं। तो इनके जो कार्बोनेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो जनरली क्या होता है, इनके ये सब इलेमेंट का जो कार्बोनेट कार्बोनेट सल्फेट और हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होते हैं,
समझ पा रहे ना क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो लैटिस बनता है वो मजबूत बनता है, और लैटिस मजबूत बनने का वजह से अगर आप क्या करेंगे उसको डिकम्पोज करना जाएंगे, आपने ज्यादा टेम्परेचर दिया तो उस टेम्परेचर से पहले ही वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। तो ये मेल्ट हो जाता है, इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, क्लियर है ना। लेकिन अगर हम बात करें बाइकार्बोनेट, क्या बताओ बाइकार्बोनेट में क्या, यहाँ में देखो यहाँ में जो हमारा केटायन का पावर है क्या उसका चार्ज वन है, क्या यहाँ में भी चार्ज -1 -1, यहाँ पे भी -1 है। पहले देखो यहाँ में देखो लैटिस एनर्जी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है, यहाँ में +2 +2, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, ये दोनों का तो समझ में आ गया लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। फिर इन तीनों में देखो OH-NO3-SCO3-, क्लियर है ना, क्या यहाँ में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है, तो किससे देखेंगे, साइज से। क्या OH का साइज कम है कि नहीं है, है। साइज कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो OH में भी लैटिस ज्यादा बनती है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, जिसका वजह से इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। लेकिन बताओ क्या इसका बड़ा साइज है, क्या बड़ा साइज होने की वजह से लैटिस एनर्जी कम होगा, थोड़ा हीट करेंगे टूट जाएगा, क्लियर है ना भाई। तो इनका आसानी से डिकम्पोजिशन होता है, इसका नहीं होता है, इसका आसानी से होता है, उसका बीच में क्या है नाइट्रेट, तो ये भी अलग अलग डिकम्पोजिशन दिखाता है इनका, या तो कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है या तो पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है। कंप्लीट डिकम्पोजिशन हाई टेम्परेचर पे होता है, इनकम्प्लीट या पार्शियल डिकम्पोजिशन लो टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन था हेडिंग, पहला होगा मेटल कार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पे ध्यान देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें मेटल कार्बोनेट, मालूम है कि मेटल होगा और कार्बोनेट होगा, है ना, तो मेटल का एक बार ऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन का ऑक्साइड बन जाएगा, मालूम है ना, ये तो बता दी गई है। तो बताइए जैसे कि लाइम स्टोन बोलते हैं CaCO3 को, है ना, मार्बल बोला जाता है, तो कैल्शियम का एक बार ऑक्साइड CaO बनेगा और CO2 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ में देखो इसको कैलामाइन बोला जाता है, ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट है ना, तो जिंक का एक बार ऑक्साइड बनेगा, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बनेगा ना इसे। और बताइए यहाँ में इसको बोलते हैं डोलामाइट, क्या बोलते हैं, डोलोमाइट, है ना,
तो ये बोर्ड पे ध्यान देना, ये डबल सॉल्ट है क्योंकि दो सॉल्ट कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो अगर बोर्ड पे ध्यान देंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट है, तो अगर इसको हीट करा जाए तो बताओ एक बार मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और एक बार कैल्शियम का ऑक्साइड क्या बोलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो मेटल और कार्बन को छोड़ देंगे तो क्या, मेटल ऑक्सीजन को छोड़ेंगे तो कार्बन बनेगा, तो कार्बन का ऑक्साइड है ना। देखो एक बार मेटल का ऑक्साइड बनेगा, यहाँ में भी एक बार मेटल का ऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ मेटल ऑक्सीजन को छोड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, कार्बन। तो कार्बन का एक बार ऑक्साइड CO2 बन जाएगा, है कि नहीं। तो बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, MgO+ क्या बनेगा, CaO+ क्या बनेगा, CO2। क्लियर है ना भाई, समझ में आया नहीं आया, आया। क्लियर है, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप लोग। बताओ इसका नेचर, मेटल का ऑक्साइड आर बेसिक, क्या होगा बेसिक, और ये क्या है एसिडिक। तो जब भी मेटल का ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो हमारा पेयर क्या क्या बनता है, या तो बेसिक बेसिक ऑक्साइड बनेगा या तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा, एम्फोटेरिक, और ये क्या बनेगा एसिडिक। तो पेयर यही बन सकता है, या तो बेसिक एसिडिक बनेगा या तो एम्फोटेरिक एसिडिक बनेगा। क्लियर है ना, यही बनेगा ना, ठीक है। और इसका इसका नेचर बताओ, इसका बेसिक, इसका बेसिक और इसका एसिडिक। क्लियर है ना, आप लिख सकते हैं, लेकिन एक बात लिखना पड़ेगा, एक बात जानना पड़ेगा, ये कि जो बेरिलियम कार्बोनेट है क्या है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे, उसके बाद कॉपी करना। जो बेरिलियम कार्बोनेट होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि इनको जैसे ही रूम टेम्परेचर पे देखा जाए, कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। मतलब ये हाईली अनस्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पे भी डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर है ना भाई। तो अगर मान लो इसे दिक्कत क्या हो गई, मान लीजिए, इसलिए इसको हम लोग स्टोर कहाँ करते हैं, CO2 के, मतलब अगर आपको इसको स्टोर करना है एटमोस्फियर में तो CO2 डालना पड़ेगा, ठीक है, चारों तरफ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालो जिससे ये स्टोर होता है, ठीक है। अभी मैं कहानी लिखाऊंगा, बोर्ड पे देखिए एक बार, यदि मान लो हमारे पास में लाइब्रेरी, मान लो आपने लैब में गए, है कि नहीं, इसकी रिएक्शन करानी थी, बेरिलियम कार्बोनेट की रिएक्शन मान लो किसी एक रिएजेंट से करानी थी एक्स, क्लियर है ना। मान लो ये इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में है BeCO3, क्लियर है ना, ये डब्बा में पैक है, और जैसे ही मान लो आपने क्या किया, आपको चाहिए एक चम्मच चाहिए ना इसकी, इसके साथ में रिएक्शन कराने के लिए। अब ढक क्या करेंगे भाई, खोलेंगे खोलेंगे, मान लो एक चम्मच बेरिलियम कार्बोनेट आए, जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये तो डिकम्पोज हो गया बेरिलियम कार्बोनेट के, तो क्या बचेगा यहाँ में, बेरिलियम ऑक्साइड। अरे भाई जैसे आप एक चम्मच यहाँ से बाहर निकाले तो ये क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, रूम टेम्परेचर में डिकम्पोज हो जाता, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये डिकम्पोज होगा। तो आप बताओ कौन रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करना किसी और को था, कर कोई और गया, है कि नहीं, करा किसके साथ में रह रहे थे, बेरिलियम कार्बोनेट के साथ में, रिएक्शन कौन किया, बेरिलियम ऑक्साइड, क्योंकि जब ये डिकम्पोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर ना उड़ जाएगा, तो बचेगा तो यही ना बचेगा, तो रिएक्शन कौन करेगा, एक्स। रिएक्शन किसी और के साथ कराना था, रिएक्शन कोई और कर लेगा, तो इसलिए बताओ क्या ये सही है कि गलत है, गलत है। तो गलत है तो हमको चाहिए, हमको रिएक्शन कराना है किसके साथ में कराना है, बेरिलियम कार्बोनेट के साथ में कराना है, तो इसकी इसलिए इस कंटेनर के चारों तरफ क्या पास कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर में इसको स्टोर किया जाता है। इससे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लीच चेटलीस प्रिंसिपल, जब ये डिकम्पोज होगा तो ये बनेगा, और इसके आसपास में क्या है, CO2 ही है, तो बताओ क्या इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी, तो ये मिल जाएगा, है कि नहीं। तो उस केस में अगर आपको इसको स्टोर करना है तो CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर में ही इसको स्टोर किया जाता है। तो लिखेंगे एक पॉइंट, बेरिलियम कार्बोनेट लिखो, उसके बाद कहानी यहां लिखे, नोट डाल के लिख लो, BeCO3 is highly unstable, it decompose at room temperature, therefore it is always stored in CO2 environment। चलिए बी में देखते हैं, फिर बताइए, मेटल बाइकार्बोनेट है, इसको हीट करना है, बताइए क्या बनेगा, कार्बन बाइकार्बोनेट समझ रहे हैं ना, SCO3, क्या बड़ा भाई को हीट करने से छोटा भाई मिलता है, तो क्या बनेगा, मेटल का कार्बोनेट मिलेगा, और क्या क्या बचेगा बताओ, मेटल और ऑक्सीजन को छोड़ के क्या क्या बचेगा, कार्बन और हाइड्रोजन,
तो कार्बन से CO2, हाइड्रोजन से H2O, तो यहां में जल भी प्राप्त होता है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है ना।